हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज ना मैं कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, आज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। मुझे करनी थी अपने सिर की हेयर ऑयलिंग, तो मैंने सोचा चलो यार आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कैसे हेयर ऑयलिंग करती हूँ मैं। वैसे ही मैंने किया हुआ काफ़ी बार, बट आज मैं जो है अपने हाथ से करने वाली हूँ, तो क्योंकि शाम का टाइम है तो मैंने सोचा चलो यार कर लेती हूँ। और कल मुझे जो है हेयर वॉश करना है, तो सोचा आज कर लेती हूँ, रात भर तेल लगा रहेगा तो बेटर रहेगा। क्योंकि डैंड्रफ जो है, वैसे मेरा डैंड्रफ काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, बट दोबारा से ना होना, तो इसलिए क्या करती हूँ मैं, कैसे यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल को। एंड सर्दियाँ इतनी पड़ रही हैं ना कि तेल क्या इंसान तक जम जाता है, तो बेचारे तेल का क्या कसूर। तेल भी देखो कोकोनट ऑयल कितना ज़्यादा जम जाता है, निकालने में बड़ी दिक्कत होती है इसको विंटर्स में। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पानी ले लिया है बर्तन में और उसमें गैस ऑन कर दी है, एंड इसमें जो है ऑयल को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। एंड मुझे भी कोल्ड हो चुका है, तो पता नहीं वॉइस कैसी आ रही होगी अब इस टाइम पे, बट झेल लेना आप लोग। एंड इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ लेमन। आजकल मैं लेमन डाल के यूज़ कर रही हूँ ऑयल को, जैसे कि मैंने बताया डैंड्रफ के लिए काफ़ी सही रहता है, एंड बाल भी सिल्की हो जाते हैं लेमन से, तो इसलिए बीज को कर दिया अलग। एंड इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। मिक्स करने के बाद मैंने ले लिए कॉटन, और कॉटन से ही ना मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। बालों को कर लिया मैंने कॉम्ब अच्छी तरीके से, एंड अब जो है स्काल्प पे अपने पहले ऑयल लगाऊंगी, उसके बाद फिर एक चम्पी दूंगी अच्छी तरीके से अपने हाथों से। तो अभी बस कॉटन ले लिए मैंने, एंड कॉटन से स्काल्प पे लगाने वाली हूँ। थोड़ी सी दिखा रही हूँ मैं ओवर एक्टिंग दिखाने के बाद फिर लग जाएंगे अपने काम पे ऑयल लगाने में। ज़्यादा कॉटन को जो है वो निचोड़ना नहीं है, तो ऑयल उसमें भर के लेना है, और भरने के बाद बस मांग कर करके और स्काल्प पे अच्छी तरीके से टैप टैप करके इसको लगा लेना है, जहाँ तक आप लगा सको पीछे तक। तो मैंने पीछे तक ट्राई किया था, तो बस कैमरे में देख देख के मैं यूज़ करती जा रही हूँ ऑयल को अच्छी तरीके से। एंड यू नो स्काल्प पे ज़्यादा फ़ायदा करता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो स्काल्प पे, क्योंकि वहीं से जो है सारे बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से पहुँचेगा एंड रूट्स तक जाएगा, तो तभी फ़ायदा करेगा कोकोनट ऑयल। और मैं तो यही वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, आप लोग कौन सा करते हैं मुझे बताना कॉमेंट करके। तो मुझे तो यही सूट करता है, काफ़ी टाइम से जो कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा मिलावट वगैरह नहीं होती है, तो इसलिए फिर मेरे को यही बेटर लगता है। चाहे विंटर हो चाहे समर हो, मैं मोस्टली यही ऑयल यूज़ करती हूँ। विंटर में थोड़ी दिक्कत होती है कोकोनट ऑयल को निकालने में, बट मुझे तो यार यही वाला सूट करता है, तो इसलिए यही यूज़ करती हूँ, और ज़्यादा चिपचिपापन भी नहीं दिखता इसमें। एंड बस यहाँ पे मांग कर करके लगाते आ रहे हैं ऑयल। और अगर आपने मेरा हेयर मास्क वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लेना, उसका लिंक मैं आपको छोड़ दूंगी कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पे जाके आप इजीली देख सकते हो। मैंने बनाए थे हेयर मास्क डैंड्रफ फ्री हेयर के लिए, जो कि यार बहुत ज़्यादा सूट किया है मुझे, और उससे हेयर फॉल जो है वो काफ़ी कम हो गया है, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा एलोवेरा का बनाया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और डैंड्रफ है तो उसे ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे देखो मैं ट्राई कर लूँ कि पीछे तक जो है ऑयल को अच्छी तरीके से यूज़ कर लूँ, तो बस यहाँ पे ऑयल लगता है। और आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन है तो उसको जाके प्रेस कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का भी दिख रहा होगा आपको नीचे बटन, तो उसको दबा देना, और बाकी वीडियो कंटिन्यू रखो। तो यार एक साइड में तो लग चुका है, मैंने बीच की मांग करके निकाला था, तो एक साइड पे तो लग चुका है सारी बालों पे नहीं सॉरी स्काल्प पे लगा रहे हो अभी, बालों पे लगा लूँगी बाद में।
तो अब दूसरी साइड जो है वहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, और इसको मैं रात भर रखने ही वाली हूँ, मैंने आपको बताया, और मॉर्निंग में मुझे धोना है। तो मोस्टली मैं यही करती हूँ, जब मुझे हेयर वॉश करना होता है तो उससे एक दिन पहले जो है ऑयलिंग कर लेती हूँ, एंड नेक्स्ट डे जो है उसको सिर को धो देते हैं शैम्पू। और सर्दियों में तो यार वैसे ही बालों में जितनी हो सके उतनी ऑयलिंग करना बेटर रहता है, क्योंकि वैसे भी मौसम जो है ड्राई रहता है तो स्किन ड्राई हो जाती है, तो बालों का जो स्काल्प है वो भी ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने की वजह से ही जो है डैंड्रफ वो पैदा हो जाता है। तो इसलिए जितना हो सके बालों में ऑयलिंग तो करते ही रहें विंटर्स में तो खास तौर पे। तो यार जड़ों में तो तेल लग चुका है अच्छी तरीके से, और अब मैं सारा जितना भी ऑयल है ना कटोरी में वो सारा कॉटन से ले के अपने हाथों पे ले रही हूँ, और फिर सारे जितने भी बाल है ना तो अब बालों पे सारे बालों को लेके उन पे लगा लेंगे ऑयल। एंड इसके बाद ऐसे छोड़ना नहीं है हमें, अभी हमें चंपी भी करनी है सिर की, क्योंकि ऐसे छोड़ देने से तो कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक स्काल्प पे अच्छी तरीके से मसाज ना हो जाए तब तक। तो बस पहले सारे बालों पे अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर ली मैंने, और अब जो है वो चंपी यानी मसाज का टाइम है, तो वो दूंगी मैं अपने सर को, और फिंगर की टिप से आराम आराम से हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइट हाथों से करोगे ना जल्दी जल्दी और बालों को रगड़ोगे तो उससे बाल ज़्यादा टूटते हैं और वो चंपी कोई फ़ायदा नहीं करती है। तो इसलिए ऐसा मसाज करो कि आपको रिलैक्स मिले, अच्छा फील हो, एंड जितना फिंगर की टिप से करोगे उतना ही अच्छा जो बेनिफिट है वो मिलता है। तो बस मसाज का मतलब ही ये होता है कि रिलैक्स मिले, सिर को थोड़ा आराम हो, और जो ऑयल है वो भी अंदर आराम से धीरे धीरे करके अपने स्काल्प से जड़ों तक पहुँच जाए। तो बस यहाँ चारों साइड से जो है अच्छे तरीके से जितना हो पाएगा उतना मैं मसाज कर लूँगी। तो इस तरीके से आप लोग अपने हाथ से इजीली जो है सिर में चंपी कर सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा ही डाले, आप अपने आप भी इसको डाल सकते हैं जब भी आपका मन करे। तो हफ्ते में एक बार तो कम से कम आपको ऐसा करना ही चाहिए, चंपी दे के मसाज करना ही चाहिए, चाहे खुद करो चाहे किसी से करवाओ। तो ये तो अपनी लाइफ का ना एक हिस्सा बना लो अपने लिए, मतलब थोड़ा टाइम तो ज़रूर निकालना चाहिए। तो यार ऑयल डालने के बाद अब मैंने बालों को कर लिया था कॉम, क्योंकि अभी तो शाम हो रही है तो इसलिए मैंने कॉम कर लिया था, और लेटना भी है तो इसलिए मैं चोटी जो है गूंथ रही हूँ, क्योंकि लेटते टाइम जो है वो गूंथी हुई चोटी बेटर रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ऑयल डाला है तो चोटी को गूंथ के और तभी लेटे, अदरवाइज़ तो दिन का टाइम होता तो मैं जूड़ा वगैरह भी लगा लेती हूँ, बट क्योंकि लेटना है रात के टाइम पे तो इसलिए मैंने सोचा चोटी बना लेते हैं, और ये खुलती भी नहीं है तेल वाली, तो स्पेशली ऑयल डालने के बाद जो हम चोटी गूंथते हैं ना वो तो इतनी टाइट हो जाती है, मतलब आपस में बाल इतने चिपक जाते हैं कि खुलने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। तो ये क्या ऐसी चोटी जो सुबह तक ऐसी बनी रहती है, अगर चोटी गूंथ के कर लेते हैं ना ऑयल डालने के बाद तो ऐसी बनी रहती है, खुलती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने कर ली हेयर ऑयलिंग,
और वीडियो को यहीं तक रखेंगे आज, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। आई थिंक ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है तो इसे और ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर एंड करेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। चलिए बाय, टेक केयर।